जय हिंद। आइए इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट रूल समझते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए प्रीपोजिशन, ये जो प्रीपोजिशन है कभी कभी क्या होता है कि प्रीपोजिशन एडजेक्टिव के साथ आता है, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव लगाकर और हम लोगों से कहता है कि प्रीपोजिशन वहां होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं, एडजेक्टिव के लिए, एडवर्ब के लिए हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लिखिए कि दिस मिल्क टर्न्स इनटू सावर, सावर मीन्स व्हाट, खट्टा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको एक चीज ध्यान रखना है, दिस मिल्क टर्न्स इनटू सावर, सावर हमारा क्या है, खट्टा क्या है, ये एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के लिए हमारा मतलब प्रीपोजिशन का यूज नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशन का यूज यहां पर एडजेक्टिव के लिए नहीं हो सकता है। अगर आगे आपका नाउन वगैरह रहता, नाउन या प्रोनाउन रहता, तब हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते थे, इसलिए हम लोग इसमें इनटू का यूज नहीं करेंगे। वैसे ही मान लीजिए कभी कभी क्या करता है कि हम लोग ऑन मंडे ऑन संडे लिख तो देते हैं और ये सही भी है, बिल्कुल सही है, बट एग्जाम में क्या करता है कि क्वेश्चन ऐसे दे देगा ऑन लास्ट संडे, ठीक है, ऑन एवरी मंडे, ठीक है, ऑन एवरी मंडे, और क्वेश्चन देकर मतलब आपको ऑन लगाकर क्वेश्चन देता है ताकि आप इसमें गलत कर बैठे। देखिए अब लास्ट यहाँ आया हुआ है, लास्ट एडजेक्टिव है, यहाँ भी हम लोग ऑन का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ऑन संडे ऑन मंडे ऑन ट्यूजडे सही है, बट अगर लास्ट लग जाए तो देखिए, तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि लास्ट यहाँ नाउन नहीं है ना, या नाउन तो आगे, तो इसके लिए आप प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते। यहाँ भी एवरी आया, इसके लिए प्रीपोजिशन का यूज नहीं कर सकते, अदरवाइज हमारा गलत हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखते हुए प्रीपोजिशन का यूज करना है।